हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियोस। हम दोबारा से खेलने वा रहे हैं एम पी एम पर वन जीरो पूर्वी। एंड गाइस, ये गेम प्ले मेरे तरह काफ़ी इंटेंस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम इजी विनर बनने वाले हैं। सो गेम प्ले मस्ट एंड तक वॉच करना, हो सके तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, सो गाइस बात करते हैं गेम प्ले की। तुम्हारे पास देख सकते हो फर्स्ट राउंड में कितने ओपी कार्ड हैं, प्योर सिक्वेंस है एंड वन जोकर है। सो प्ले करना तो बनता है। एंड गाइस, जो है ओपन डेक्स में थ्री था, सो मैं पिक कर लेता हूँ, क्योंकि हमें जो फोर्थ कार्ड की सीक्वेंस भी चाहिए थी ना। ओके, वैसे अभी हमारे पास थ्री या फिर फोर इनवैलिड कार्ड है, सो हमें वैलिड बनाने होंगे। डायमंड की नहीं पिक करेंगे, क्लोड ऐसे कार्ड पिक करते हैं। हर्ट टेन आया, इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। वैसे बंदा हमको फॉलो तो नहीं कर रहा, ओनली इनवैलिड कार्ड ही निकाल रहा है। वाह, इस बंदे ने डायमंड क्वीन ही निकाला, इसको क्लब टेन आया, सो नहीं पिक करेंगे। ओके, हर्ट क्वीन गाइस हमारे पास आ चुका है, सो क्लब क्वीन डिस्कार्ड कर देते हैं अब। वैसे हर्ट क्वीन ही हम डिस्कार्ड कर देंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। वैसे गाइस बंदे जो मैं सेट तो रैंक का सता था क्वीन का, लेकिन आपको पता ही होगा जो है क्वीन डबल तो निकल चुकी हैं। सिक्स रख लेते हैं एंड हर्ट में क्वीन डिस्कार्ड कर देते हैं। सो फाइनली गाइस डिक्लेयर करने के लिए अभी भी हमें जो है टू विलेट कार्ड चाहिए। क्लब सिक्स से बंदे ने निकाला है। ओके, हर्ट सेवन यूजलेस है, सो क्लोड से कार्ड पिक करते हैं गाइस। ओके, क्लब नाइन आया, सो रख लेते हैं या फिर नहीं। मार्ली तो गाइस यूजलेस ही है, सो इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके, अगर हमारे पास क्लब एट आ गया तो तब भी हम जो है ना सेकेंड लाइफ अरेंज कर लेंगे, और उसके बाद हमको सिंगल कार्ड चाहिए होगा डिक्लेयर करने के लिए। ओके, क्लब फोर इस बंदे ने निकाला, काफ़ी खतरनाक प्ले कर रहा है। वाह, डायमंड थ्री यूजलेस है, सो क्लोड ऐसे ही कार्ड पिक करते हैं गाइस। एंड गाइस हर्ट जे आया, अगर हम टेन को होल्ड रखे थे ना, टेन अभी आया था हमारे पास, हर्ट में क्वीन और हर्ट में जे भी देखो आ चुका, सो शायद हम जो है सेकेंड लाइफ रेंज कर पाते, बट ऐसा पता थोड़ी ना था कि जो है हर्ट जे भी आ जाएगा। एंड गाइस देखो, डीलर ने अब ओपन ऐसे कार्ड पिक किया, मुझे लग रहा है ये बंदा डिक्लेयर करने वाला है, और ऐसा ही होता है, ये बंदा फाइनली डिक्लेयर कर देता है। अगर नाइन इससे पहले डिस्कार्ड कर देता तो हमारा जो है सिक्स का सेट रेंज हो चुका होता अभी तक, बट क्या ही कर सकते हैं अब। और इस बंदे ने देखो सीक्वेंस रैंक की थी जे के साथ, चलो कोई बात नहीं। सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं, एंड इस पर गाइस हमारे पास काफ़ी ओपी कार्ड है, प्योर सिक्वेंस है और टू जोकर हैं, और सेट भी रेंज हो चुका है। सो आई थिंक मुझे लग रहा है डिक्लेयर हो पाएगा। नहीं 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 डिक्लेयर नहीं होने वाला, सिंगल कार्ड चाहिए होगा डिक्लेयर करने के लिए अभी भी। टू वैलिड गाइस कार्ड चाहिए अभी भी, मैं सोच रहा था सिंगल कार्ड चाहिए। मैन गई देखो, बंदा जे का सेट नहीं कर रहा था, चलो कोई नहीं। ओके, हर्ट क्वीन करा, चलो पिक कर लेते हैं गाइज। अब जो गाइज हमें सिंगल कार्ड चाहिए, सो डाउन में नाइन निकाल देते हैं, क्योंकि वैसे भी हमारे पास अगर डाउन में टेन आ गए तो तब भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं ना। सो नाइन तो यूजलेस हो गया। ओके, वैसे हमने नाइन निकाला तो हो सकता है बंदे जो है हर्ट में नाइन डिस्कार्ड कर दें, जिससे कि हमारी जो है फोर्थ कार्ड की सीक्वेंस रेंज हो जाएगी। लेकिन गाइस देखो, हर्ट में टेन इस बंदे ने निकाला है, जो कि हमको चाहिए था। एंड गाइस देखो, बंदे ने हमसे पहले ही डिक्लेयर कर दिया, सीरियसली। खैर कोई नहीं। एंड गाइस बंदे जो है थोड़े ज़्यादा पॉइंट से लॉस हो चुके हैं, देख सकते हो 58 पॉइंट से लॉस हुआ है, जो सेकंड राइट प्लेयर था। चलो बढ़िया गाइस हमारे लिए, तो ये बंदा थोड़े हाईएस्ट पॉइंट से लॉस हुआ है। सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं, एंड इस पर गाइस हमारे पास अगेन काफ़ी ओपी कार्ड है, लेकिन प्योर सिक्वेंस रेंज नहीं है। बट कोई नहीं, ट्राई तो करेंगे कि हमारी जो प्योर सिक्वेंस रेंज हो पाए। सो मैं हर्ट मैकिंग डिस्कार्ड कर देता हूँ, वैसे भी डबल था ना,
वो सारे बंदे जो है हर्ट किंग के अकॉर्डिंग हर्ट में एस या फिर हर्ट में जे डिस्कार्ड कर दें। मैंने कहा इसे डैम डैन इस बंदे ने निकाला और इस बंदे ने पिक किया, तो मुझे तो गाइस नहीं लग रहा कि हमारे पास जो है डैम नाइन आने वाला। ओके हर्ट सेवन आ चुका है गाइस हमारे पास, सो मैं क्लब में एस को डिस्कार्ड कर देता हूँ क्योंकि हमें जो है ना कैसे भी करके प्योर सिक्वेंस नहीं करनी है। और हर्ट जे देखो गाइस इस बंदे ने निकाला, खैर कोई नहीं क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। ओके और फाइनली गाइस हमारे पास जो है स्पीड्स नाइन आ चुका है, चलो हमारी प्योर सिक्वेंस रेंज हो चुकी है। सो हर्ट में किंग अब अगेन डिस्कार्ड कर देते हैं। सो अब गाइस जो हमें डिक्लेयर करने के लिए टू वैलिड कार्ड चाहिए। टेन निकाला यूजलेस है, क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं क्लब एट। सो मैं सोच रहा हूँ गाइस जो है क्लब एट रख लूँ एंड डैम टेन डिस्कार्ड कर दूँ। नहीं नहीं एट को डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि हमारे पास अब ऑप्शन रहेगा डायमंड सेवन भी आ सकता है, डायमंड नाइन भी आ सकता है और डायमंड जे भी। और हर्ट में एट आ गया तो वैसे भी हमारी जो है सेकेंड लाइफ रेंज हो जाएगी। ओके स्पेस एट निकला, चलो इसी के साथ जो है हम फोर्थ कार्ड की सीक्वेंस रेंज कर लेते हैं एंड फोर को डिस्कार्ड कर देते हैं। अब वैसे अब अगर हम होल्ड रखते ना गाइज एट को तो हमारा जोकर रिलीज हो जाता, बट कोई नहीं क्या ही कर सकते हैं। अब फाइव यूजलेस है गाइस, को क्लोड ऐसे कार्ड पिक करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे। एंड गाइस हमारे पास जो है टेन आ चुका है, सो टेन तो हमारे पास ऑलरेडी है, सो इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। वैसे मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था कहीं बंदा पिक ना कर ले क्योंकि किसी बंदे ने डैम टेन निकाला था ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। वाह इस बंदे ने गाइस इस बंदे को स्पिट्स में ए डिस्कार्ड किया है क्योंकि इस बंदे ने हमको ए डिस्कार्ड किया था ना। डायमंड फाइव यूजलेस है, सो क्लोड ऐसे कार्ड पिक करते हैं। ओके नाइन आया, सो ये भी यूजलेस है, शिशु को डिस्कार्ड कर देते हैं। खैर क्या ही कर सकते हैं। देखो गाइज हमारे पास एक भी वैलिड कार्ड आ ही नहीं रहा, क्या ही बोलें। और देखो फाइनली बंदे ने डिक्लेयर कर दिया, चलो कोई बात नहीं, हमारे जो ओनली 7 पॉइंट लगे हैं लेकिन 40 पॉइंट बंदे के देख सकते हो ओनली 3 पॉइंट लगे हैं। और ये बंदा भी 2 का सेट ही रहे कर रहा था, तभी तो हमारे पास 2 नहीं आ रहा था। खैर कोई नहीं गाइस, अगेन कार्ड रिसीव हो चुके हैं। इस बार गाइस हमारे पास जो है सिंगल जोकर है, सो इस बार तो रिस्क लेने का चांस बनता है नहीं, सो ड्रॉप ही करेंगे। एंड गाइस देखो ये बंदा 2 का भी सेट रहे कर रहा था और डायमंड 9 भी इस बंदे के पास था। 6 निकाला, सो कर देते हैं ड्रॉप गाइस, रिस्क लेने का चांस बनता है नहीं। अब देखते हैं जो है 48 बंदा प्ले करता है या फिर ड्रॉप। आई थिंक मुझे लग रहा है ड्रॉप ही करेगा। एंड गाइस देखो ये बंदा एस कट सेट रहे करके डिक्लेयर कर दिया इस बंदे ने, चलो कोई बात नहीं। वैसे किसी भी प्लेयर के हाईएस्ट पॉइंट नहीं लगे, खास करके 40 पॉइंट वाले बंदे के। चलो कोई नहीं गाइस, हम इसी के साथ करते हैं बैट स्किप, देखते हैं बंद कौन बंदा डिक्लेयर करता है। ओके जो अलर्ट प्लेयर ये बंदा तो ड्रॉप कर चुका है, सो देखते हैं। ओके सो फाइनली गाइस जो है डीलर डिक्लेयर कर देता है एंड गाइस जो 58 पॉइंट वाला बंदा होता है ना ये बंदा डैट एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि इस बंदे की प्योर सिक्वेंस रही नहीं हो पाते। और गाइस देखो इस बंदे के पास कितने वैलिड कार्ड थे, मैं क्या ही बोलूँ गाइस, कितना बंदे का बैड लक था। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, अब मतलब कि बहुत गलत सीन हो गया इस बंदे के साथ। ओके सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड तो हो चुके हैं लेकिन देखो डायमंड 6 ओपन डेक में है जो कि हमको चाहिए था, सो ड्रॉप ही करना पड़ेगा गाइस। अगर प्योर सिक्वेंस रेंज होता है तो रिस्क ले लेंगे, अदरवाइज ड्रॉप तो हमारा पक्का है ही क्योंकि डीलर हम हैं। ओके 63 पॉइंट वाला बंदा प्ले कर रहा है, हर्ट क्वीन निकाला इस बंदे ने। और गाइस देखो 68 पॉइंट वाला बंदा प्ले कर रहा है, अब देखते हैं 40 पॉइंट वाला बंदा प्ले करता है या फिर नहीं। हर्ट 3 गाइस देखो बंदा मुझे लग रहा कहीं ना कहीं ब्लफ मार रहा है, सो हम भी करते हैं ड्रॉप एंड इसी के साथ करते हैं बैट स्किप, देखते हैं इन दोनों बंदों में से कौन बंदा डिक्लेयर करता है। ओके सो फाइनली गाइस जो है 68 पॉइंट वाला बंदा डिक्लेयर कर देता है
लेकिन जो 63 पॉइंट वाला बंदा होता है ये बंदा ओनली 2 पॉइंट से लॉस होता है। और यहाँ पे मिनिमम टर्न लगी थी फिर भी बंदे ने पॉइंट डाउन कर ही लिए थे। मैं सोचा था कि कोई बंदा इन दोनों बंदों में से हेलमेट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई नहीं, अगेन कार्ड गाइस जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, इस पर गाइस हमारे पास कार्ड तो काफ़ी ओपी हैं। अगर प्योर सिक्वेंस अरेंज हो गया तो हम डिक्लेयर भी कर सकते हैं। सो देखते हैं, एक प्लेयर तो ड्रॉप कर चुका है, अब देखते हैं 68 पॉइंट बंदा ये प्ले करता है या फिर नहीं। ओके, ये बंदा तो गाइस प्ले कर रहा है, हम भी प्ले ही करेंगे। ड्रॉप करने वाले तो हम भी हैं नहीं अब। वाह गाइस, फर्स्ट में ही हमारी प्योर सिक्वेंस रेंज हो चुकी है। सो हम निकाल देते हैं डायमंड में 9 को, वैसे भी हमारे लिए यूजलेस ही है। अगर बंदे ने अगेन 6 निकाला तो हम सेट रेंज करके डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके एंड गाइस, डिक्लेयर करने के लिए हमको ओनली सिंगल कार्ड ही चाहिए। मुझे लग रहा है गाइस इस बंदे के पास डबल था 6। एंड गाइस देखो, ये बंदा कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा रहा है। डायमंड एस, वाओ गाइस, और इसी के साथ हमारा सेट रेंज हो चुका है। सो डायमंड 6 के साथ करते हैं डिक्लेयर, इसी के साथ फिनिश। एंड गाइस देखो, ये बंदा ओनली 7 पॉइंट से लॉस हुआ है। देख रहे हो, इस बंदे के पास भी काफ़ी ओपी कार्ड थे। खैर, बंदा आखिरकार सर्वाइव कर चुका। ओके सो अगेन गाइस, कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं। डिस्पायर गाइस हमारे पास देख सकते हो सेट सेट ही हैं, ना कि प्योर सिक्वेंस है। सो ड्रॉप ही करना पड़ेगा। एंड देखो गाइस, जो 75 पॉइंट वाला बंदा, इस बंदे ने तो ओपन ऐसे कार्ड पिक किया, तो मुझे लग रहा है कि इस बंदे की प्योर सिक्वेंस रेंज हो चुकी होगी। तो शायद ये बंदा जो मिनिमम टर्न में डिक्लेयर कर सकता है आई थिंक। ओके, किंग निकाला, सम करते हैं ड्रॉप एंड करते हैं इसी के साथ बैट स्किप। देखते हैं गाइज इन दोनों बंदों में से कौन बंदा डिक्लेयर करता है। ओके सो फाइनली गाइज, जैसा हमने सोचा था वैसा ही होता है। जो है 75 पॉइंट वाला बंदा डिक्लेयर कर देता है जो भी मिनिमम टर्न में, और 85 पॉइंट वाला बंदा जो है ये बंदा डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये बंदा जो है प्योर सिक्वेंस रेंज नहीं कर पाता, इस बंदे की प्योर सिक्वेंस रेंज हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बंदा जो है 108 पॉइंट से लॉस हो जाता है। खैर, अब इस बंदे का बैड लगता। एंड गाइस देखो, इस बंदे के पास कितने जोकर थे। खैर कोई नहीं, सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं। इस बार गाइस हमारे पास जो है सिंगल जोकर है, लेकिन वैलिड कार्ड भी काफ़ी हैं देखा जाए तो। अगर प्योर सिक्वेंस रेंज होता है ना तो गाइस हम जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। सो मैं सोच रहा हूँ कि रिस्क ले ही लूँ। रिस्क लेना पड़ेगा गाइस, मैं सोचा था कि हमारे पास ड्रॉ करने का ऑप्शन है, लेकिन रिस्क तो लेना ही पड़ेगा और हम प्ले भी करना पड़ेगा। क्वीन गाइस हमारे पास आ चुका है। सो मैं सोच रहा हूँ कि इसी को डिस्कार्ड कर दूँ, वैसे भी हमारे लिए यूजलेस ही है। एंड गाइस देखो, 75 पॉइंट वाला बंदा ही प्ले ही कर रहा है। इस चीज़ का तो डर था मुझे, ये बंदा कहीं प्ले ना कर ले, बट कोई नहीं, हमारे पास वैलिड कार्ड काफ़ी हैं। ओके गाइस, वाह क्या बात है, हमारी प्योर सिक्वेंस रेंज हो चुकी है। सो हम भी क्वीन ही निकालेंगे, ना कि किंग निकालेंगे। मैं नहीं चाहता ये जो बंदा ओपन से कार्ड पिक करे। ओके सो फाइनली गाइस, डिक्लेयर करने के लिए ओनली सिंगल कार्ड चाहिए। डाउन किंग यूजलेस है, क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं, हर्ट में 3। सो हर्ट में 3 रख लेते हैं। एंड मैं सोच रहा हूँ कि किंग निकाल दूँ। एंड गाइस देखो, इस बंदे का ट्रैप था जो कि हम इसमें फंस चुके हैं, क्योंकि एस जोकर है और इस बंदे को किंग की ही नीड थी। देखो गाइस, बंदे का कितना शातर दिमाग था। जे हमारे लिए यूजलेस है। सो क्लोड ऐसे का इस कार्ड पिक करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं इस बार। डायमंड जे, सो इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं, यूजलेस है गाइस हमारे लिए तो। एंड गाइस देखो, ये बंदा तो अब बैक टू बैक कार्ड निकाले जा रहा है और 100 पॉइंट वाला बंदा पिक करता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो ये बंदा हमसे पहले डिक्लेयर कर दे। लेकिन फाइनली गाइस, ये जो बंदा 5 डिस्कार्ड कर देता है और हमारा सेट रेंज हो चुका है। सो 3 के साथ करते हैं डिक्लेयर, इसी के साथ फिनिश। गाइस 100 पॉइंट वाला बंदा तो आई थिंक ईजी एलिमिनेट हो चुका है, क्योंकि इस बंदे को एलिमिनेट होने के लिए ओनली 2 प्लस पॉइंट लगने चाहिए थे, जो कि आराम से लग जाते हैं।
लेकिन डीलर देखो सर्वाइव कर ही लेता है इस बैट को। अगर गाइस हम किंग नहीं ना निकालते तो शायद ये बंदा भी एलिमिनेट हो चुका होता। एंड गाइस हम इस बंदे को स्प्लिट पैक क्वेस्ट सेंड करते हैं क्योंकि हमारे और इसके 91 पॉइंट हो रखे थे। लेकिन ये बंदा रिजेक्ट कर देता है। अब देखते हैं गाइस हम विन करते हैं या फिर नहीं। ओके अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं। इस बार गाइस हमारे पास कार्ड तो काफ़ी वैलिड है लेकिन देखो डैम्ड 9 ओपन डेक में है जो कि हमको चाहिए था। खैर कोई नहीं, ट्राई तो यही करेंगे कि हम जो है इस बैट को सर्वाइव कर पाएँ। डैम्ड 8, वाओ। चलो इसी के साथ गाइस जो हमारी प्योर सिक्वेंस रेंज हो चुकी है। अब 7 निकालें या फिर 5 को दमा, वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था। मैं 5 डिस्कार्ड कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास डबल था। इसको कब तक ही होल्ड करेंगे। हर्ट 9 यूजलेस है। क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं, जे आ चुका है। मैं अगेन गाइस 5 को ही निकालूंगा। मैं नहीं चाहता ये जो बंदा ओपन से कार्ड पिक करे। किंग निकाला है, यूजलेस है। क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं, हमारे पास एस आ चुका है। इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं गाइस क्योंकि इस बंदे ने किंग निकाला था तो एस पिक करने के चांसेस बहुत कम है और ऐसे ही होता ये बंदा पिक नहीं करता। और हर्ट 8 भी इस बंदे ने निकाल दिया। ओके हर्ट किंग है, इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। मुझे गाइस ऐसा लग रहा है कि इस बंदे को हर्ट में 7 की नीड है। डायमंड जे यूजलेस है और हमारे पास 4 आ चुका है गाइस। अब कौन सा कार्ड निकालें। सेवन निकालो या फिर डाउन में 10 निकालो क्योंकि गाइस इस बंदे ने 8 भी निकाला था 9 भी। मैं 7 निकाल देता हूँ लेकिन गाइस ये बंदा ही का ना इस बार भी ट्रैप ही था क्योंकि इस बंदे पास डबल थे 8 और 9, जिस वजह से बंदा जो पॉइंट डाउन कर लेता है। लेकिन कोई नहीं, हमारे भी पॉइंट डाउन हो चुके हैं क्योंकि इस बंदे ने 6 निकाला था। अब हम निकाल देते हैं डैन में 10 को क्योंकि बंदा जे पिक कर सकता है और इस बंदे ने जे निकाला था डैन में तो 10 पिक तो नहीं कर सकता और ऐसा ही होता है ये बंदा पिक नहीं करता। लेकिन अभी भी गाइस हमें जो है कार्ड तो चाहिए। 2 निकाला, पिक कर लेते हैं एंड 4 को डिस्कार्ड कर देते हैं। मुझे लग रहा गाइस बंदा 4 भी पिक करेगा लेकिन ऐसा नहीं होता। चलो बढ़िया गाइस, डैन क्वीन यूजलेस है। क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं और फाइनली गाइस हमारे पास जे आ चुका है। 2 का सेट अरेंज कर लेते हैं एंड 2 के साथ करते हैं डिक्लेयर, इसी के साथ फिनिश। गाइस हम डिक्लेयर तो करते हैं लेकिन ये बंदा देखो ओनली 2 पॉइंट से लॉस होता है। अगर हम 7 नहीं ना निकालते तो शायद ये बंदा भी एलिमिनेट हो सकता था। एंड गाइस हम इस बंदे को अगेन स्प्लिट पैक क्वेश्चन करते हैं। ये बंदा एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आपको गेम प्ले अच्छा लगा तो